नमस्कार दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहां स्कूल जा रहे दो बच्चे बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिसके बाद एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा जो है वो अभी गंभीर रूप से घायल है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। चलिए पहले आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में दोनों बच्चे साइकिल से जाते दिख रहे हैं, तभी सड़क पर एक बिजली का तार टूटकर उन पर गिर पड़ता है। उसमें इतनी करंट थी कि साइकिल में भी आग लग गई। घटना के बाद दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई है। दोनों छात्र आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के बेलम मंडी स्थित विद्या सागर स्कूल में पढ़ते थे। बीते 21 अगस्त को दोपहर में दोनों बच्चे घर से खाना खाने के बाद स्कूल लौट रहे थे, तभी एक गली से गुजरते वक्त उनके साथ ये हादसा हो गया। वही घटना स्थल पर छात्रों को तड़पता देख आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए। वो दोनों को तार से छुड़ाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 11 साल के तनवीर को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं दूसरे छात्र आदम की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं अब वहां के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, क्या अब इंसानों की जान इतनी सस्ती हो गई है? एक लापरवाही की वजह से आज एक मासूम से बच्चे ने अपनी जिंदगी गंवा दी, तो वहीं दूसरे बच्चे की हालत अभी गंभीर है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए, और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।